नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और इस वीडियो में मैं आपके साथ एक काफी इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन एंड कोरोना वायरस। दुनिया के सभी धर्मों में किसी ना किसी धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा करने के लिए या कोई रिलीजियस प्रैक्टिस को पूरा करने के लिए लोग एकत्रित होते हैं, इकट्ठा होते हैं, और ऐसे में कोरोना वायरस का स्प्रेड होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, और हम जानेंगे कि क्यों धार्मिक प्रोग्राम्स को या फिर धार्मिक सभाओं को कुछ समय के लिए टेम्परेरीली हॉल्ट करना इतना आवश्यक है। एक और बात, किसी भी धर्म या समुदाय को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है इस वीडियो में। ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाया गया है, तो उसे इसी प्रकार ट्रीट करें। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होंगे। स्टडी आईक्यू का पेनड्राइव कोर्स सिविल सेवा परीक्षा एवं अन्य कई गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट studyiq.com विजिट कीजिए। कोरोना वायरस और धार्मिक स्थलों का संबंध यह है कि जहां पर भी लोग इकट्ठा होते हैं, भीड़ इकट्ठा होती है और वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो वहां पर वायरस के स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब तक आप सब ये जान चुके होंगे, या फिर नहीं जानते तो वापस से सुन लीजिए। इस वायरस को रोकने का केवल एक ही तरीका है, सोशल डिस्टेंसिंग। हमारे पास अभी तक कोई दवाई नहीं है और आने वाले एक साल तक इसकी कोई दवाई आने की संभावना भी ना के बराबर है। तो ऐसे में आप और मैं, हम सब जब घर पर रहेंगे, एक दूसरे से सोशली डिस्टेंट रहेंगे, बेसिकली फिजिकली डिस्टेंट रहेंगे, तब ये वायरस का स्प्रेड रोका जा सकता है और इस बीमारी से पार पाने का केवल यही एक तरीका है। लेकिन जब धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, जैसे कि चर्च में मास होगा या मस्जिद में नमाज होगी, मंदिरों में पूजा है, सिनेगॉग्स हैं, इन सभी में लोग इकट्ठा होते हैं अपने धर्म को, अपनी स्पिरिचुअलिटी को पूरा करने के लिए, और ऐसे में इन जगहों को बंद करना टेम्परेरीली भी काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जितने भी धार्मिक लीडर्स हैं वो नहीं चाहेंगे कि इनको बंद किया जाए। कई बार चाहते हुए भी वो इसे बंद नहीं कर पाते हैं ड्यू टू पब्लिक प्रेशर, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि रिलीजियस रिचुअल्स सदियों से चले आ रहे हैं। हर धर्म इस वक्त जो दुनिया में मौजूद है वो कई सेंचुरीज से है, कई मिलेनिया से है, तो ऐसे में सदियों पुरानी परंपराओं को एकदम से रोक देना, बंद कर देना इतना आसान नहीं होता है। तो वी कैन अंडरस्टैंड कि ये कितना मुश्किल है, लेकिन समय और हालात ऐसे हैं कि ये मुश्किल कदम उठाना पड़ेगा। तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हर धर्म में होती है जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, तो हिंदू धर्म में पूजा होगी, क्रिश्चियनिटी में मास है, मुस्लिम्स में नमाज है, सिख धर्म में संगत कीर्तन, तो इस तरह से इन सभी प्रैक्टिसेस में लोग इकट्ठे होते हैं। अब आप में से कुछ लोग यहां सोच रहे होंगे कि मेरे घर के पास वाला जो मंदिर है वहां दिन में मुश्किल से 100 लोग आते हैं, या मेरे घर के पास में कोई पीर बाबा की मजार है वहां पर केवल 50-100 लोग आते हैं। तो ऐसा नहीं है, देश में, पूरी दुनिया में कई बड़े बड़े धार्मिक स्थल भी हैं जहां पर हजारों लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा होती है, जैसे कि हरिद्वार और वाराणसी में गंगा आरती होती है, वहां पर रोज हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है। दिल्ली की जामा मस्जिद, जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, वहां पर भी जब फ्राइडे प्रेयर्स होती हैं खास करके, तब आपको ये मस्जिद बिल्कुल फुल नजर आएगा, पांव रखने की भी जगह नहीं होती है और हजारों लोगों की भीड़ यहां पर आपको नजर आएगी। लेकिन हमें कुछ एग्जाम्पल्स देखने होंगे कि कैसे धार्मिक सभाओं के कारण कोरोना वायरस के स्प्रेड को बहुत बढ़ावा मिला इनिशियल टाइम में। इसका सबसे पहला और फेमस उदाहरण है साउथ कोरिया का चर्च। तो साउथ कोरिया में एक चर्च है जिसे वहां की सरकार एक सेक्ट का दर्जा देती है, क्योंकि ये क्रिश्चियनिटी के अंदर एक अलग सेक्ट है। इसका नाम है शिनचियोंजी चर्च ऑफ जीसस। इसे ज्यादातर लोग डेगू चर्च के नाम से जान रहे थे, क्योंकि डेगू उस शहर का नाम था जहां पर ये मौजूद है, इसका हेडक्वार्टर। तो जब साउथ कोरिया में फरवरी के आखिरी हफ्ते में कोरोना वायरस एकदम से स्पाइक किया था, तब देश के शुरुआती 4,000 केसेस में से 60% केस इस चर्च के मेंबर्स के थे, क्योंकि ये चर्च काफी सीक्रेटिव है, इसके सदस्य चाइना भी गए थे और वहां से ये वायरस ट्रांसफर करके साउथ कोरिया ले आए और उसके बाद पूरे देश में इन्होंने इसे फैलाया। तो एक तरह से ये जो चर्च है इसके कारण साउथ कोरिया में शुरुआती जो फैला था कोरोना वायरस वो मेनली इसी चर्च के मेंबर्स के कारण फैला। आप खुद ही समझ सकते हैं 60% ऑफ द केसेस जो इनिशियल 4,000 केसेस थे। उसके बाद दूसरा बड़ा उदाहरण है ईरान। ईरान जो दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस का तीसरा सबसे बड़ा एपिसेंटर बन चुका है, थर्ड कंट्री है जहां सबसे ज्यादा मौतें हुई है वायरस के कारण। तो यहां पर भी वायरस की शुरुआत कहां से हुई थी, कोम नाम के शहर से। कोम ईरान का धार्मिक कैपिटल है, यहां पर बहुत बड़ी बड़ी श्राइन्स हैं, जैसे कि श्राइन ऑफ फातिमा है। शिया मुस्लिम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट है, यहां पर दुनिया भर से शिया मुस्लिम्स आते हैं और इसी जगह पर सबसे पहले कोरोना वायरस फैला था। 23 या 24 फरवरी के आसपास
एक ही दिन में 24 लोगों की मौत इस शहर में हो गई थी। उस समय तो दुनिया को पता भी नहीं था कि ईरान में इतने बड़े स्तर पर केसेस हैं। इनफैक्ट ईरान की गवर्नमेंट को भी नहीं पता था। जब एकदम से लोग मरने शुरू हुए तब ईरान सरकार हरकत में आई और उन्होंने इसके स्प्रेड को रोकने के लिए कई कदम उठाए। फिर एक और उदाहरण है मलेशिया का। मलेशिया में एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई थी तबलीगी जमात के कारण। ये एक तरह का रिलीजियस संगठन है ये भी। तो तबलीगी जमात ने 27 फरवरी से 1 मार्च के बीच में एक बहुत बड़ा इवेंट रखा था कोलालंपुर से कुछ दूरी पर, जहां 16,000 लोग इकट्ठे हुए थे और इनमें 1500 फॉरेनर्स थे। और जैसे ही ये कॉन्ग्रीगेशन खत्म हुआ उसके बाद मलेशिया में कोरोना वायरस के केसेस आने शुरू हुए। तो जो अभी तक के 673 केसेस हैं, 20 मार्च तक का डेटा मैं आपको बता रहा हूं, 673 केसेस में से 2/3 केसेस ये वही लोग हैं जो इस गैदरिंग में गए थे। और आसपास के जो पड़ोसी देश हैं वहां से भी काफी लोग आए थे, जैसे ब्रुनेई, सिंगापुर, भारत, बांग्लादेश, इन देशों से भी कई लोग यहां पहुंचे थे। तो इनफैक्ट ब्रुनेई में भी जो 50 केसेस हुए हैं आउट ऑफ द टोटल 56, वो सभी इस कॉन्ग्रीगेशन में मौजूद थे। तो इस कॉन्ग्रीगेशन के कारण ही एक तरह से आप मान सकते हैं कि मलेशिया में कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ था। फिर बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान में अभी तक सरकार ने सभी प्रकार की पब्लिक गैदरिंग्स बैन कर दी है, जैसे शादियां, सोशल गैदरिंग्स या अन्य किसी तरह की पॉलिटिकल रैली, लेकिन धार्मिक गैदरिंग्स को अभी तक सरकार ने बैन नहीं किया है। इनफैक्ट लास्ट वीक तक भी पाकिस्तान में 2.5 लाख लोग इकट्ठा होने वाले थे तबलीगी जमात का, यहां पर भी एक बहुत बड़ा कॉन्ग्रीगेशन होने वाला था, लेकिन एंड मोमेंट पर इन्होंने इसे कैंसिल कर दिया थैंकफुली, लेकिन लोग इकट्ठा होना शुरू हो चुके थे। कल यानी कि 20 मार्च को जब फ्राइडे प्रेयर्स थी तो कराची की मस्जिद, जो सबसे बड़ी मस्जिद है, वो पूरी तरह से फुल थी। तो ऐसे में कई इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस भी पाकिस्तान सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वो कोविड-19 के खतरे को सीरियसली नहीं ले रही है और काफी ढिलाई बरत रही है। इस तरह की गैदरिंग्स पर बैन लगाने का समय आ चुका है। लेकिन दूसरी ओर दुनिया में कई देश हैं जिन्होंने प्रोएक्टिव मेजर्स भी लिए हैं, यानी उन्होंने आगे चलकर कुछ ऐसे कदम बढ़ाए जिससे वायरस के स्प्रेड को रोका जा सके। तो फ्राइडे यानी कि कल 20 मार्च को दुनिया के कई देशों में, जैसे इंडोनेशिया, मोरक्को, ईरान, सऊदी अरेबिया, इन सभी कंट्रीज में फ्राइडे प्रेयर्स को घर में ऑर्गेनाइज किया गया। सभी लोगों को कहा गया कि आप घर से ही नमाज अदा कीजिए, आपको मस्जिदों में आने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें लीडिंग जो रोल था वो प्ले किया है सऊदी अरेबिया ने। सऊदी अरेबिया ने जो मक्का और मदीना की जो मस्जिद हैं दोनों में ही प्रेयर्स के लिए एक स्पेशल प्रोविजन किया, लोगों को कहा गया कि आप घर से ही प्रे कीजिए। पहली बार लिविंग मेमोरी में, या फिर आप मान सकते हैं शायद इतिहास में, ये पहली बार हो रहा होगा कि मक्का और मदीना में यहां पर प्रेयर्स नहीं हो रही हैं। तो ये काफी हिस्टोरिक डिसीजन है। आप सोचिए कितना बड़ा और कितना साहसिक निर्णय है ये सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट का। इनफैक्ट सऊदी अरेबिया का जो ओवरऑल रिस्पांस रहा है कोरोना वायरस के प्रति वो मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा है। आई थिंक दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट रिस्पॉन्सेस इसी सरकार का रहा है। अभी तक वहां पर कोरोना वायरस के सऊदी अरेबिया में अराउंड 350 केसेस आए हैं, एक भी डेथ नहीं हुई है, लेकिन सरकार ने देश के सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोड्स को पूरी तरह से शटडाउन कर दिया है। कोई बस नहीं, कोई डोमेस्टिक फ्लाइट्स वहां पर नहीं चल रही हैं। एक तरह से लॉकडाउन की स्थिति वहां पर लागू कर दी गई है और इसके कारण वहां पर केसेस काफी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जितने दुनिया में दूसरे देशों में तेजी से बढ़ रहे हैं उतनी तेजी से नहीं। इनफैक्ट जो हज पिलग्रिमेज है उसे तो 3 हफ्ते पहले ही फरवरी के लास्ट वीक में ही कैंसिल कर दिया गया था। बाहर के लोगों का आना बैन कर दिया था सऊदी अरेबिया में आज से कई हफ्ते पहले। तो उन्होंने, भारत सरकार ने जैसा निर्णय लिया था 11 मार्च को, उसी तरह का निर्णय उन्होंने उससे 2 हफ्ते पहले ले लिया था। तो कई गल्फ कंट्रीज ने भी लोगों से कहा कि आप घर पर ही प्रे कीजिए, घर पर नमाज अदा कीजिए, आपको मस्जिद में आने की आवश्यकता नहीं है, इसे अभी कुछ समय के लिए अवॉइड किया जाएगा। दूसरी ओर कोरोना वायरस के खिलाफ वन ऑफ द वर्स्ट रिस्पॉन्सेस ईरान का रहा है और कई हफ्तों तक खराब रिस्पॉन्स रखने के बाद फाइनली ईरान ने यह डिसीजन लिया कि ईरान की सभी रिलीजियस साइट्स को कुछ समय के लिए क्लोज डाउन किया जाएगा। और ये तब किया है जब 850 से ज्यादा मौतें वहां पर हो चुकी थी। ये डिसीजन उन्होंने 16 मार्च को लिया था जबकि वहां पर आउटब्रेक बड़े स्तर पर 23 या 24 फरवरी के आसपास शुरू हो चुका था। भारत में भी कई मंदिरों ने खुद ये निर्णय लिया कि हम मंदिर को कुछ समय के लिए बंद रखेंगे जब तक ये वायरस का खतरा टल नहीं जाता। तो ये निर्णय लेने वाला वन ऑफ द फर्स्ट टेम्पल्स वॉज सिद्धि विनायक टेम्पल इन मुंबई। तो ये बहुत ही अच्छा और प्रोएक्टिव मेजर था और सिद्धि विनायक के बाद देश के कई अन्य मंदिरों ने यही निर्णय लिया। तो धीरे धीरे करके कई बड़े मंदिर ऑलरेडी क्लोज्ड हो चुके हैं, जैसे तिरुपति बालाजी, मथुरा के लगभग सारे मंदिर और वैष्णो देवी मंदिर। सारे मंदिरों ने डिसाइड किया है कि भक्तों को यहां पर इकट्ठा नहीं होने देंगे। हालांकि पूजा अर्चना चलती रहेगी, जो पुजारी हैं दे विल बी देयर, लेकिन भक्त वहां पर आकर दर्शन नहीं कर सकते ताकि लोग इकट्ठा ना हो, भीड़ ना आए। रोमन कैथलिक्स के ऑफिशियल रिलीजियस लीडर और दुनिया भर की पूरी क्रिश्चियनिटी के एक तरह से अनऑफिशियल मैस्कॉट पोप, उन्होंने ये निर्णय लिया लास्ट वीक की
पेपल ऑडियंस यानी कि जो पोप संबोधित करते हैं लोगों को, वो अब ऑनलाइन किया जाएगा, केवल लाइव स्ट्रीम होगा वो इंटरनेट और टीवी के माध्यम से। भारत में महाराष्ट्र और गोवा के चर्चेस ने ये डिसाइड किया है कि पब्लिक मास नहीं होगा, मास यानी कि जो गैदरिंग होती है हर संडे को चर्च में, वो नहीं होगी। 4 अप्रैल तक उसे सस्पेंड कर दिया गया है। इसी तरह के निर्णय ऑर्थोडॉक्स चर्च के द्वारा भी लिए जा रहे हैं, जैसे बल्गेरिया में ऑर्थोडॉक्स चर्च है, वो रोमन कैथोलिक चर्च के अधीन नहीं आता है, वहां पर भी इसी तरह का निर्णय लिया गया है कि संडे मास ऑर्गेनाइज नहीं करवाया जाएगा। कई रिलीजियस प्रैक्टिसेस को थोड़ा सा बदला भी गया है, अमेंड भी किया गया है। तो जैसे कि मुंबई में मस्जिदों ने यह ऐलान किया है कि जो वजू किया जाता है यानी कि मस्जिद में एंटर होने से पहले हाथ और चेहरा धोया जाता है कॉमन पूल में, ये नहीं किया जाएगा। आप वजू घर से करके आइए या फिर जो टैप यानी नल लगा है उसके नीचे करिए, ताकि ये कॉमन मिक्सिंग ना हो पानी में और इससे वायरस का स्प्रेड ना हो। तो ये बहुत अच्छा निर्णय है, इट इज कीपिंग अप विद द टाइम्स। लेकिन ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिए हैं ये चुनिंदा है। अभी भी देश के ज्यादातर धार्मिक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च ये खुले हैं, ये ओपन है। इनफैक्ट केरल में कल ही 2 कैथोलिक प्रीस्ट के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है, क्योंकि उन्होंने एक मास कंडक्ट करवाया, 150 लोगों को इकट्ठा कराया एक जगह पर डिस्पाइट गवर्नमेंट ऑर्डर्स। कल तक हिंदू धार्मिक लीडर्स ने भी ये कहा था कि हम अयोध्या में सालाना रामनवमी मेला जो लगता है उसे ऑर्गेनाइज करेंगे डिस्पाइट कोविड-19। यहाँ पर इस रामनवमी मेले में 10 लाख लोग इकट्ठा होते हैं हर साल, तो ये बहुत बड़ी संख्या है और प्रशासन भी उसकी तैयारी में जुटा हुआ था। लेकिन बेटर सेंस हैज प्रिवेल्ड। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत ही साहसिक और बहुत ही सही निर्णय लेते हुए इस मेले को कैंसिल करने का निर्णय लिया है। अभी के लिए कहा गया है कि कोई भी इस मेले के लिए अयोध्या में कॉन्ग्रीगेट ना करे, यहाँ पर ना पहुँचे। हालांकि जो अयोध्या मंदिर में पूजा अर्चना होती है वो अनावृत जारी रहेगी, लेकिन कोई भी श्रद्धालु अयोध्या पहुंचकर सरयू नदी में डुबकी नहीं लगा सकता है, उस पर बैन लगा दिया गया है। उधर कई गुरुद्वारे अभी भी देश में खुले हैं, ओपन हैं, हालांकि उनमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। जैसे कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने यह निर्णय लिया था लास्ट वीक ही कि जो भी फॉरेन से लौटा है पिछले पंद्रह दिनों में, उसे दिल्ली के गुरुद्वारों में एंट्री नहीं दी जाएगी, लेकिन जितने भी लोकल लोग हैं उनके लिए गुरुद्वारे ओपन रहेंगे। अमृतसर में हरमिंदर साहिब, जिसे कई लोग गोल्डन टेंपल के नाम से भी जानते हैं, वो भी ओपन है, लेकिन वहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं क्राउड के लिए, और साथ ही साथ टेम्परेचर चेक किया जा रहा है एंट्री से पहले। बट अगेन, जब क्राउड इकट्ठा हो रहा है तो कहीं ना कहीं वायरस के स्प्रेड होने का रिस्क रहता है। इस वक्त देश को ज़रूरत है कि हमारे धार्मिक और पॉलिटिकल लीडर्स दोनों आगे बढ़कर एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करें और देश में जितनी भी धार्मिक जगहें हैं उन्हें कुछ हफ्तों के लिए हमें टेम्परेरीली बंद कर देना चाहिए, लोगों को इकट्ठा होने से वहां पर बैन कर देना चाहिए। तो आप में से हो सकता है कुछ लोगों की धार्मिक आस्थाओं को इस बात से ठेस भी पहुंचे, लेकिन इस बात को समझिए कि कोरोना वायरस कोई धर्म कोई समुदाय नहीं देखता है, इट विल अफेक्ट एवरीबडी द सेम, चाहे वो किसी भी जगह पर हम इकट्ठा हों, इस वायरस के फैलने का खतरा रहता है। और इस पैंडेमिक के कारण डेफिनेटली हमारे आने वाले त्योहारों पर भी कुछ ना कुछ असर आएगा। नवरात्रि, रामनवमी, ईस्टर, रमदान, पासओवर, कई इंपॉर्टेंट रिलीजियस होली डेज आने वाले हैं और धार्मिक अनुष्ठानों पे कुछ ना कुछ असर जरूर इसका पड़ेगा। लेकिन इस वक्त हमें ये सोचना है कि ह्यूमैनिटी को बचाना सबसे बड़ा जिम्मा है, और अगर ये हमने सफलतापूर्वक कर लिया तो धर्म को हम आगे और भी ज़्यादा जोश खरोश के साथ निभा सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, स्टे सेफ एंड कीप योर फैमिली सेफ।